किसी भी रोड की मैं बात करूं, चाहे वो अपने पलासिया रोड की बात करूं, अपने खजराना की बात करूं, खजराना चौराहे की तो मैं बात ही ना करूं तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां तो शायद ट्रैफिक सिग्नल है या नहीं है, शायद बराबर है, या तो लोगों को वहां आंख बंद हो जाती है या पता ही नहीं क्या हो जाता है, तो उस समय बहुत हालत खराब हो जाती है। तो इस बारे में लगातार रंजीत जी जो है काम करते आ ही रहे हैं, आप इनको हाईकोर्ट चौराहे पे और इंदौर के मुख्य चौराहे पे देखते ही हैं, तो अब ज्यादा समय ना लेके मैं ये जो माइक है खुद रंजीत जी को ही दूंगा। थैंक यू भैया, सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों का सभी का कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया और इज्जत दी, क्योंकि हम जैसे लोगों को इज्जत बड़ी प्यारी होती है और हम लोग इज्जत के लिए काम कर रहे होते हैं, अगर ये ना हो तो फिर मतलब मैं इंसान नहीं आता। तो आप लोगों को भी शायद ये मैसेज ही है कि सबसे पहले हमारी इज्जत ऊपर होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें बाद में। इंदौर का ट्रैफिक लोग कहते हैं अक्सर कि इंदौर में चला लिया गाड़ी तो हटे चला लेंगे, भैया मजाक नहीं है सच में इंदौर में गाड़ी चलाना, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच जिसके अंदर पेशेंस धैर्य है ही नहीं, उनको अगर रोड पे छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली चाहे यहाँ के लोग हों चाहे दिल्ली के लोग हों, ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब हो ही जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ के लोग दिल्ली चले गए ना तो दिल्ली का ट्रैफिक भी ख़राब हो जाएगा, सच यही है, क्योंकि पेशेंस नहीं है हमारे अंदर, हमारे अंदर थोड़ा सा धैर्य नहीं है। हमें 9 बजे अगर ऑफिस पहुँचना है, स्कूल पहुँचना है, तो हम 9 बजे घर से निकलते हैं और प्रॉब्लम आज शुरू हो जाती है, और हम पहुँच रहे होते हैं चौराहे को, सड़क को, गड्ढों को, कि यहाँ ये व्यवस्था खराब है, आपका दिमाग खराब है करेगा, ये सोच लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा ट्रैफिक के बारे में बात कीजिए, क्योंकि पहले ही आपने गदर बता दी घर से, क्योंकि जहाँ आपको 9 बजे ऑफिस पहुँचना है, रिपोर्टिंग टाइम है, मेरे पास चौराहे पर अक्सर लोग आते हैं, अरे सर वो थंब छूट जाएगा, थंब लगाना है, तो मैंने भाई 15 मिनट पहले निकलना पर नहीं, और आप आज यहाँ आया हो तो आज ही एक वाक्य हुआ है मेरे साथ में जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आजकल हम लोग रोड पे देखते हैं कि रोड चलाना बहुत दूर की बात है, गाड़ी चलाना बहुत दूर की बात है, हम रोड पे चलते कैसे? एज ए पेडेस्ट्रियंस हमने सोच रखा है कि ग्रीन हो रेड हो कुछ ही हो हमको निकलना है, और हम हाथ देते हुए निकलते हैं। और आज मैंने एक महीने की एक लड़की जो है चौराहे से मेरे रोड से निकलती थी और वो इस तरह निकलती थी, हंसने वाली बात नहीं, मैं बहुत फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, एज ए पुलिसमैन नहीं, एज ए ब्रदर, एज ए सन, आप लोग मुझे लीजिएगा, ऐसे निकलती जो मैं रोज उसको टोकता था कि प्लीज मैम आप ऐसा मत करिए, ऐसा करने से आप रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, मैं रोज उसको बोलता था। और मैं दिल्ली चला गया था अभी 4 दिन के लिए, वहाँ पर ट्रेन मैं ट्रैफिक चला के आया हूँ 4 दिन के लिए, 4 दिन बाद मैं आया तो वो लड़की जो भी चौराहे से रोज निकलता है मेरा ध्यान रहता है कि इतने बजे कौन क्या निकल रहा है, सब ध्यान रहता है, तो मैंने छोटा दिन हो गया, मैंने कहा यार वो लड़की रोज निकलती 10 बजे वो निकल नहीं रही है, जिसको मैं रोज टोकता हूँ, वो मुझे इडियट बेवकूफ इस सब वर्ड मेरे लिए यूज़ करती थी वो मुझसे, मैंने इस ओके मेरा काम है उसको रोकना, मेरी को तनख्वाह मिल रही है इसी चीज़ की, तो मैं वो करता था। एंड 4 दिन बाद वही लड़की कोने में गुलदस्ता लिए खड़ी थी, तो मैंने कहा ये क्या सीन है, तो मैंने कहा गया पास मैडम ये गुलदस्ता एक खड़े आप किसके लिए, तो उसने कहा आपके लिए खड़ी हूँ मैं, गया पास में, आप यकीन कीजिएगा वो लाइफ टाइम चल नहीं सकती, क्योंकि उसका एक पैर एक बुलेट वाले भाई साहब लेके चले गए, और वही सीन था जब वो मोबाइल पे ये करते हुए जा रही थी और उसको ध्यान नहीं गया और बुलेट से टकरा गई और पूरा उसका पैर डिस्टर्ब हो गया था, तो मुझे लगा कि यार ये कार के अंदर बैठी मुझे बुला रही है, मगर जब मेरी नज़र उसके पाँव पे गई तो पाँव पूरा रॉड डला हुआ था, और ये हल्की सी बात है जो आज मैंने आज मॉर्निंग जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे सॉरी बोला कि सर मैं आपको इतने सालों से गालियाँ देते हुए जा रही हूँ और आप मन नहीं माने और मैंने आपको कहना नहीं माना, और एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि मेरा एक पाँव नहीं हो, और उसके तो फादर से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि सर ये लाइफ टाइम चल नहीं पाएगी ढंग से, तो क्या हम हाथ पर टूटवाने के बाद समझेंगे कि रोड से निकलना कैसे? मैं उसको ये बोलता था कि मैडम जिसको आप ये फ्लाइंग कीज दे रहे हो ना, अगर आपको कुछ हो गया ना तो आपको साथ छोड़ जाएगा, और आज वो इसलिए गुलदस्ता लेके आई थी क्योंकि बात सही निकली, उस लड़के ने उसे शादी करने से मना कर दिया। क्या हम ये करना चाह रहे हैं? एक बहुत सीरियस बात है, हम लोग ट्रैफिक तो रोड दूर की बात है कि हम मोटरसाइकिल चलाना है रोड पे ही चलाना है, हम चलते कैसे हैं रोड पे? हम ऐसे चलते हैं जैसे वो घर का रोड है हमारा, बगीचे में घूम रहे हैं जैसे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड पे ट्रैफिक पुलिस वाला हो ना हो आप बहुत केयरिंग रहिए, और सबसे बड़ी बात जो माँ बाप अपने 16 साल के बच्चे कम बच्चे को अगर अपनी गाड़ी की चाबी दे रहे हैं ना,
यकीन मानेगा आप उनको मौत दे रहे हैं। कल से अगर आप अपने छोटे बच्चे को अगर आपने गाड़ी चाबी दी है और उसको कुछ भी होता है तो ना रोड दोषी है ना जिससे टकराया वो दोषी है, सबसे पहले आप लोग दोषी हैं जिन्हें चाबी दी, ये यकीन मान लीजिए। हम लोग तो कहीं हद तक नहीं आ सकते, हम लोग भगवान नहीं है, हम अजूबा नहीं कि हम कूदेंगे और बचा लेंगे, ऐसा हमसे होगा भी नहीं, गारंटी बोल रहा हूँ। बचाना वाला आप लोग, पहले गुरु होते, दो तरह के गुरु होते हैं हिंदुस्तान में या कहीं पर भी, दो गुरु बहुत अच्छे होते हैं, एक होते हैं माँ बाप और एक होते हैं टीचर्स, इनके सिवा कोई गुरु नहीं होता। तो प्लीज़ आप माँ बाप हैं, अपने बच्चों को ट्रैफिक रूल सिखाना आपका धर्म बनता है। हम लोग तो ठीक है चौराहे पे मिलते हैं, पर 10-15 साल तक वो अगर आप, हमें अक्सर पुलिस वालों को ज़्यादा यहाँ पर बोला जाता है कि चुप हो जाए पुलिस वाला जाएगा, मतलब हम लोग, हमारा तो कैरेक्टर है ना बचपन से नेगेटिव डाल देते हैं बच्चे के दिमाग में कि चुप हो जाए पुलिस वाला पकड़ ले जाएगा, मतलब हम कोई भूत भूत हैं लगता है लाइक कि। और जब वो बच्चा बड़ा होता है चौराहे पे तो वो हमको देखता है, हमारे बच्चों का ड्रीम पूछ लो आप तो इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना ये बोलेंगे, कभी कोई बोला उसने पुलिस वाला बनना, बहुत रेयर होता है जो बोलता है पुलिस वाला बनना, क्यों? क्योंकि हम डराते ही बचपन से पुलिस वाला उठा ले जाएगा, पुलिस वाला करप्ट होता है, पुलिस वाला पैसे लेता है, वो खड़ा है साइड में चाय पी रहा है गुटखा खा रहा है, हम उसकी छवि बिगाड़ कर देखते हैं, हम खुद की छवि नहीं देखते। तो इंदौर का ट्रैफिक डेफिनेटली सुधार की बहुत गुंजाइश है, पर यकीन मानिएगा एक चीज़ अगर हम सब में आ गई ना तो इंदौर सुधर सकता है, वह सिर्फ धैर्य। क्योंकि मैंने 6 बजे दादा मैंने ट्राई किया है, 6 बजे मैं फूटी कोटी चला खजराना मंदिर, सबसे लॉन्ग रोड है, और मैं 35 मिनट में पहुँच गया सुबह 6 बजे, कोई सिग्नल नहीं होता, कोई ट्रैफिक नहीं होता, मैं 35 मिनट पहुँच गया 40 की स्पीड में, मैंने स्पीड कंटिन्यू की, 40 से ज़्यादा नहीं भगाऊंगा मैं, 30 से 40 की स्पीड में 35 मिनट पहुँच गया। अगले दिन मैं 11 बजे आया उसी रोड से, मुझे लगे 45 मिनट, तो फिर मैं शाम को 5 बजे उसी रोड से निकला, उसी रोड से मुझे लगे 50 मिनट, यानी कुल मिला के 15 मिनट का अंतर आता है, किसी भी टाइम निकल जाऊँ मैं, चाहे 11 बजे चाहे 5 बजे चाहे सुबह 6 बजे, टाइमिंग का अंतर सिर्फ 15 मिनट। क्या हम इस 15 मिनट के चक्कर में गाड़ी को रफ भगाएं? 15 मिनट जल्दी पहुँचना है बस, मतलब अगर सुबह 25 मिनट में आ गया हूँ तो मुझे शाम को 25 मिनट में जाना है घर वापस, ये सोच लें इस शहर को जाम कर रहा है। ड्राइविंग को इन्जॉय नहीं करते, ड्राइविंग को आप इन्जॉय नहीं करोगे, मैंने यकीन मानिएगा, मैं एक और किस्सा सुना के अपनी बात बंद कर देता हूँ कि हम लोग ड्राइविंग इन्जॉय क्यों नहीं करते हैं। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ और मैंने अक्सर ये बात बताई है कि मैं एक्रोपोलिस स्कूल जा रहा था एक बार स्पीच देने के लिए, तो मेरे साथ 3 लड़के चल रहे थे और एक बहुत खूबसूरत लड़की चल रही थी यहाँ पर। मैं बहुत फ्रेंक बताता रहा हूँ आपको कि आप इन्जॉय कैसे करते हो ड्राइविंग को, तो मैं चल रहा था नॉर्मली और आपका काम जो है, आपका बिहेवियर जो है ना, आपकी छवि है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी खूबसूरती, आपकी, आपका किस पोस्ट पे हो, किस तरह दिखते हो, कितना सूट पहन रखा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो मैंने 3 लड़के चल रहे थे तो थोड़ी देर बाद एक एक्सीडेंट हुआ, तो 3 लड़के गिरे हुए थे, वो डिवाइडर से टकरा गए थे, उन्होंने देखा नहीं, तो मुझे लगा यार देखूँ गिरे तो चिपके हैं, देखा तो 3 बच्चे उठ रहे थे, मुझे लगा कुछ लगे नहीं है। थोड़ी देर और आगे चला तो फिर एक आवाज़ आई, मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो लड़की जो थी वो पेड़ में घुस गई थी। तो मैंने कहा अरे हो क्या रहा है, लगता रोड खराब है, मेरा दिमाग में आया मैंने रोड खराब है या भूतूत होगा रास्ते में, लगता है मैं रंगीत रोक ले गाड़ी, मैं अगला नंबर दे रहा है, दो तो गिर गए। मैंने कहा इन दो को आने को आगे, मैंने दोनों को बुलाया, मैंने लड़के से पूछा, मैंने भाई साहब आपको डिवाइडर में दिखा, तो लड़के ने बोला सर 3 लड़के थे और तीसरे लड़के ने मारते हुए बोला अगले को कि सर ये लड़का ना लड़की को देखते हुए चल रहा है, हमारे आधे ट्रैफिक जो है हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते रोड पर, हम इधर उधर देखते चलते हैं यार आओ, ऐसे ही कुछ हम करते चलते हैं, हम कॉन्ट्रेट होते ही नहीं कि हमें सीधे देखना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है, और हम ऐसे चल रहे होते हैं। तो मैंने ठीक है तू तो गिरने लायक था, मैंने मैडम को पूछा तो मैडम आपको ये पेड़ नहीं दिखा नीम का इतना बड़ा, उसका जवाब था सर मैं आपको देखते चल रही थी। तो सिंपल सी बात बता दूं मैं आपको कि रोड पर ना पुलिस वाला हो चाहे बहुत ईश्वर रहा है चाहे अभिषेक बच्चन हो, आपका कैरेक्टर आपकी पहचान है। हमारा कैरेक्टर इंदौर का ना ट्रैफिक के मामले में बहुत ख़राब है और इस कैरेक्टर को आप सब सुधार सकते हैं तो दुनिया हमारी तरफ देखेगी। इसमें रंजीत सिंह तो क्या 50 रंजीत सिंह ले आओ तब भी शहर नहीं सुधरेगा जब तक कि हमारे इंदौर के लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कल से सिर्फ एक चीज़ लेके चलिएगा रोड पर, धैर्य। जहाँ भी जाना है वहाँ आधे घंटे पहले निकल जाइए, इंजॉय करते हुए जाइए अपने ड्राइविंग को। मैं भी ड्राइव करता हूँ इंदौर शहर में, मुझे कहीं दिक्कत नहीं आती। जाम क्या होता है, हमारे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे सर खड़े होते हैं
मैं अभी दिल्ली गया था तो मैंने जिस ड्राइवर के साथ बैठा था तो मैंने सिग्नल पे 6:30 मिनट का स्टॉपेज था, मैंने उससे पूछा यार जाम लगा हुआ है, कितना ही सर सिग्नल है, मतलब सिग्नल पे खड़े होने को जाम नहीं बोलते, हमारे यहाँ सिग्नल पे खड़े होने को जाम बोलते, कि साहब जाम लंबा जाम लगा है साहब, सिग्नल है भाई जाम नहीं है, ये प्रोसेस है आपको क्रॉस करने की। व्हाइट चौक चौराहा हमारा सबसे ज़्यादा कंसेंसस चौराहा होता है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रुकता है, आप दो बार में निकल पाते हो, तो हम उसको जाम बोलते हैं, ये जाम नहीं होता। मैंने दिल्ली में सीख आया ये चीज़ कि वहाँ खड़े होने को जाम नहीं बोलते, तो आप लोग प्लीज़ सिग्नल पे खड़े होने को जाम मत बोलेगा, इंदौर सर कहीं जाम नहीं होता, बस हमारे दिमाग में फितूर होता है कि हमें जल्दी पहुँचना है, अगर हमारे फितूर चेंज कर लीजिए कि हमें आराम से पहुँचना है, तो जिसको वेट करना होगा ना वो आपका हर कीमत वेट करेगा, और जिसको नहीं करना होगा ना आप जल्दी पहुँच जाओगे तो आपकी कदर बढ़ने वाली नहीं है, तो आपकी इज्जत आपकी जो शहर की इज्जत है वो आपके हाथों में, और प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफली घर पहुँचिए, क्योंकि हम लोग हर साल 1.5 लाख लोग खो रहे हैं यंगस्टर, तो मैं नहीं चाहता कि वो यंगस्टर की बॉडी उठाऊं, मैं अभी तक 42 बॉडी उठा चुका हूं और उठाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, तो कृपया करके ऐसा काम ना करें। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब मैं बॉडी उठाता हूं मैं रात भर खाना नहीं खा पाता हूं, वो सीन आता है मेरे पास सामने आसपास, तो प्लीज़ सेफली चलें, पर हर अपने बच्चों को प्लीज़ अपनी गाड़ी चाबी ना दें, और कृपया करके बच्चों को मोबाइल ना दें, आजकल हम सर मत खा ये पकड़ मोबाइल फट से हम बोल देते हैं, उस मोबाइल का गलत उपयोग हो रहा है, कृपया करके अपने बच्चों को चाबी और मोबाइल ना दें, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू रंजीत जी, बहुत ही आपने उदाहरण देके जो चीज़ों को एक्सप्लेन करा है वाकई में सराहनीय, और शायद यहाँ पे जो जो बंदे या जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं शायद थोड़ी सी बात शायद दिमाग तक अंदर पहुँची होगी, और शायद इस मैं इस सबसे निवेदन ये करूँगा कि पंडाल छोड़ने से पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि एक विचार जो आप लेकर जाएँ और उसे आगे ग्रहण करें, तो कोशिश कीजिए अगर ट्रैफिक सुधार को लेकर या अपने कैरेक्टरिस्टिक को लेकर उस ट्रैफिक कॉन्सेप्ट को लेकर अगर एक विचार मन में धारण कर सके जाएँ तो बहुत शायद हमारी ये सार्थक कामयाब रहेगी। इसी के साथ आगे जो हमारे एक साथ एक और अतिथि मौजूद हैं श्री राजीव नीमा जी, मैं उनसे अब बोलूँगा वो कुछ अब कहें, मैं पहले इनके बारे में बता देता हूँ। राजीव नीमा जी जो हैं काफ़ी वर्षों से अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो पैदावार जो उनकी है वो प्योर इंदौरी है, और मेरे ख्याल से यहाँ हर कोई उनको जानता होगा, उनके YouTube पे वीडियोस काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनका जो एक अलग ही इंदौरीपन है एक अलग इंदौरपन जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और हाल ही में कुछ चुनिंदा फिल्मों में इन्होंने बहुत अच्छे रोल करे हैं, जैसे सिमरन फिल्म थी, अभी हाल ही में जो संजय दत्त पे बायोपिक फिल्म बनी थी संजू, उसमें भी इनका एक रोल था। तो अब आगे ज़्यादा ना बोलते हुए सर ये भाई अब आप गोयल बिहार निवासी तो गोयल विहार रहवासी संघ और राजीव नीमा की तरफ से आप सबको भैया राम, और रंजीत सिंह जी ने बोल दिया कि भैया राम सिर्फ चलते चलते बोलें, आप जब आपस में खड़े हो सड़क पे ना बोलें। तो आई डोंट नो, मतलब उन्होंने इतना शानदार मैसेज दिया और इतना सीरियस मैसेज दिया, तो आई डोंट नो कि उसको कॉमेडी में मैं क्यों कन्वर्ट करके उस बात को, क्योंकि जहन में बैठने के लिए 15-20 मिनट उसको सिमरते हुए अंदर उतरेगी, तो मैं उसी बात को कंटिन्यू करूंगा और मेरे नज़रिए से बताऊंगा कि करीब 5 साल पहले मेरी भतीजी की डेथ राजमोहल्ला चौराहा पर, जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पर वही हुआ कि उसकी मम्मी से 15 साल की उम्र में उसकी एक्टिवा की गाड़ी दी गई, और एकदम छोटी सी पतली सी पेटीट लड़की जो चल जब जब कोथमीरी तो लाना 1 रुपए का तो ये ले आएगी, लेकिन एक दिन जब वो बेटी कोथमीर लेकर नहीं आई तो वो पूरा परिवार वो भुगत रहा है पिछले 5 सालों से। 15 साल की लड़की और सिटी बस से जरा सा बैलेंस बिगड़ा होगा, जब तक सब सही चलता है तब तक लगता है ये तो बहुत आसान है, जब गड़बड़ होती है, जब वो गिरी थी तो किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि वो जरा सी गिरी, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग हुई और करीब 6-7 घंटे बाद वो नहीं रही। तो ये तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को ना दें, और मेरा पर्सनल परिवार का एग्जांपल है कि ऐसा हुआ। दूसरा, मैं 28 सालों से अमेरिका में रहता हूँ,
तो अभी हमारी बात चल रही थी है ना, पिछले 6 घंटों से हम इंदौर की तफरी कर रहे थे, जगह जगह स्पॉट पे जा रहे थे और चर्चाएं हो रही थी कि ये लोग पूछ रहे थे कि आपको इंदौर की क्या चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने कहा सब चीज अच्छी लगती है एक्सेप्ट एक चीज, मुझे नहीं पता था रंजीत सिंह जी आने वाले हैं, और वो इन्होंने बोला एक चीज कौन सी, वो ट्रैफिक। फिर इन्होंने बोला कि अमेरिका में कैसे अच्छे ट्रैफिक होता है, उन्होंने सोचने लगा कि क्यों होता है, मतलब इन्होंने धैर्य और वो सब बताया, लेकिन धैर्य के साथ एक लठ पड़ता है अमेरिका में जो पड़ता है आपके पॉकेट पे। मैं खुद मतलब जब आप स्पीड करते हैं या लाल लाइट पे क्रॉस करते हैं तो मिनिमम चालान होता है $300, जो आज के जमाने में $74 से मल्टीप्लाई करो तो ₹21,000 का दंड आपको वो लाल लाइट चलने का होता है। अगर वो एक दंड आपको पड़ गया तो जिंदगी भर याद रहता है। अगर यहाँ पे दंड वो 250 का हुआ तो बोला यार रंजीत सिंह जी तो ₹50 में अपने को निकाल देंगे, तो वो दंड कभी पड़ता नहीं है, वो कभी नहीं पड़ता यार, ₹50 में हो गया अपना काम, तो अपन तो पहुंच गए ना वो 12 मिनट 6 मिनट 3 मिनट पहले जो भी वो अरमान थे। ₹21,000 वाला दंड, वो $300 का दंड लाल लाइट क्रॉस करने का। मैं खुद अपनी बेटी जब 1 साल की थी पीछे की सीट पे, वहाँ पे बिठाने का नियम होता है कि जब तक बच्चा आठ साल का हो तब तक पीछे की सीट पे बिठाइए, आगे की सीट पे ना बिठाइए। एक दिन बिल्कुल पास में ही छोड़ना था कि अरे यहाँ चौराहे पे उसका स्कूल है, तो मैंने जल्दी जल्दी में उसको आगे की सीट पे बिठा दिया, $600 का दंड लगा। तो $300 कितने होते, 21,000, 600 जब 42,000 की चपत पड़ती है। वो मेरी बेटी अब 19 साल की हो गई, मेरे को अभी तक याद है वो $600 का फिगर अभी पीछे बैठी। नहीं तो मेरा कहने का मतलब है धैर्य चाहिए और दंड चाहिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी, आपने वापस से उदाहरणों से ही बहुत अच्छा तालमेल बिठा दिया। ये शायद थोड़ा सा डिमांड मेरे ख्याल से कुछ दो लाइन। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा हाँ क्योंकि गरबे का भी समय है तो समय की नजर करते हुए अब आगे इसी को बढ़ाते हुए एक डायलॉग तो चलेगा। और भैया वहाँ पर हम गए गोयल बिहार रहवासी संघ में, और भैया वो रंजीत सिंह यहाँ उनके साथ हमने फोटो खिंचवाया और ऐसे आनंद आया यार। भैया क्या आदमी है, मतलब आदमी ऐसा कड़क आदमी। भैया हमको यार वो दिखाओ ना हमको, सिखाओ ना कैसे करते हैं आप, हैं ऐसा जोरदार काम है, हैं सिखाओ भैया। आपने बोला ना कि दंड, तो इंदौरी को अच्छी तरह पता है कि चौराहे पर रंजीत क्या दंड देता है। चौराहे पर रंजीत अपने बाप को नहीं पहचानता तो कृपया करके रूल फॉलो कीजिए, फैमिली घर पहुँचिए। और रंजीत सिंह सर की डिमांड क्योंकि सर मेरे बहुत अजीब दोस्त हैं, और जब भी मैं इनको यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ और मेरी बात होती है तो सर, लेकिन अच्छा लगता है कि ये भी है इंदौरी सर, मैं कहाँ बैठे हैं और हमारे कोई भाई वहाँ बैठा हुआ, कभी खुदा ना खासा जाना पड़ा तो भैया पहचान लेना। एक कमरा बिल्कुल आपके लिए परमानेंट खाली रखा है, जिस दिन आओगे उस दिन बस एक प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि आधा किलो सेव लेके आओगे। थैंक यू सो मच। क्या वो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे क्या? हमसे नहीं हो पाएगा। इस बार आपने बोला ना यही वर्ड जॉन अब्राहम ने बोला था जब मेरे साथ वो मुंगोंड वॉक कर रहे थे रेडसन चौराहे पे, तो उन्होंने बोला सर करते हैं, मैंने कहा करते हैं, तो मेरा आपने जूता नहीं देखा होगा वो तलहा खींच जाता है 2 दिन के बाद ही पूरा, तो मुझे और स्मूथनेस आती है। रोड पर जब आप मुंगवॉक करोगे ना स्लिपरी जगह मुंगवॉक करना बड़ा आसान होता है, जब आप रोड पर करोगे जूता नहीं खींच सकता। जॉन ने करा यूं तो उसको पाँव नहीं जा रहा था, तो सर ये जूता नहीं खींच रहा है, मैंने उसके लिए आपको खींचना पड़ेगा बस लेके ऐसा जाएगा ऐसा नहीं जाएगा। तो थैंक यू सो मच हमें बर्दाश्त करने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। हेलो, जोरदार तालियां पहले तो दोनों मेहमानों के लिए। अब रंजीत सिंह जी का सम्मान करने के लिए बाइक से नारपर से सिद्धार्थ और हेमंत जी आ रहे हैं, जोरदार तालियां। टीम की तरफ से आशीष भैया प्लीज सर को छोटा हेलमेट, छोटा हेलमेट, हमारा हेलमेट देखो, इतना बड़ा हेलमेट, छोटा सर।